पछे कूण करेला थारा लाड बुलावो आयो राम रो हो, हो दादी माँ तो सुरगा चली पछे कूणी करेला हने प्यार बुलावो आयो भगवान रो एक माँ अपने बेटे से भी ज्यादा प्यार पोते से करती है साहब, मगर आज के जमाने में पोते पोती अपने बुजुर्गों की कदर करना भूल गए। अपनी पढ़ाई में, अपने स्टेटस में बुजुर्गों का मान भूल गए। ऐसा कभी मत करना, क्योंकि साहब निकला एक मुसाफिर अपने घर से, निकला एक मुसाफिर अपने घर से, दिल में बड़े अरमान थे, एक तरफ झाड़ियां दूसरी तरफ शमशान थे, चलते चलते ठोकर लगी, उसने क्या देखा, एक हड्डी के ये बयान थे, अरे संभल कर चले जाने वाले हम भी तो कभी इंसान थे। भगवान बोले माता जी बोलो, 3 मिनट खत्म हो गए, चौथा मिनट किसके लिए, सुनिएगा साहब, चौथा मिनट ये लेहरू दास गाता है, चौथो मिनट प्रभु माने देवो मुकरूं बेटी सेवा, चौथो मिनट माने देवो मुकरूं बेटी सेवा। साहब शब्द आया बेटी, ओस के बूंद सी होती है बेटिया, प्यार नहीं मिले तो रोती है बेटिया। ये बेटे तो सिर्फ एक कुल को रोशन करते हैं, मगर दो दो कुलों को रोशन करती है बेटियां साहब, दो दो कुलों को रोशन करती है बेटियां। बेटे होना भाग्य की बात है, मगर बेटी होना सौभाग्य की बात है। जब नखत बन्ना जी खुश होते हैं ना तो बेटा देते हैं, ये मेरा मानना है, जब बन्ना सा खुश होते हैं तो बेटा देते हैं, मगर मेरा ये मानना है कि जब बन्ना सा मूड में बैठे होते हैं, आनंद में बैठे होते हैं, तब किसी के घर में बेटी का जन्म होता है। इतनी इंपॉर्टेंट होती है बेटियां, और हम लोग बेटियों को पेट में मरवा देते हैं कि अपना खर्चा खाएगी। वो बेटी पेट में रोती हुई बोली, माँ बेटी लेने आवे है, हाय बेटी लेने आवे है, खुदरो भाग मत मारो बने पेट में, बेटी लेने आवे है, खुदरो भाग मत मारो बने पेट में। हे मेरी माँ तू क्यों रोती है, हे मेरी बेटी पराया धन होती है, बेटी पराया धन होती है। भगवान माने क्यों बेटी हूं कई बात करनी, सुनिएगा साहब, एक माँ अपनी बेटी से मरने से पहले क्या बोलती है कि हे बेटी मायरारी मन में रहेगी, मायरारी मन में रहेगी, ए बेटी मरवरा पेली मायरो भेजा तो तुम्हारो काल जो ठंडो में तो, पर कई बात नहीं, ये जामण जाया ये बेटा लावेला मायरो भात, बुलावो आयो भगवान रो। साहब जीवन में ध्यान रखना, अपनी बहनों को सादे दिन कुछ मत देना, राखी के दिन बहनों को कुछ मत देना, बहन नाराज नहीं होगी, मगर बहन अपने भाई का उस समय इंतजार जरूर करती है जिस समय उसके बेटे बेटी का ब्याह होता है, मायरे का समय होता है। पैसे वाले नहीं हो, नो इश्यू, पैसे मत ले जाओ, सोना चांदी नो इश्यू, नो मत ले जाओ, मगर आप सभी भाइयों से निवेदन है, मायरे के समय अपनी बहन को चुंदड़ जरूर उड़ा करके आना, वो जीवन भर गुण गाएगी कि मारो वीरो चुंदड़ी लायो, और वो भी नहीं ले जाओगे तो वो बहन रोएगी और कहेगी वीरा क्यों नहीं आयो रे, क्यों नहीं आयो,
क्यों नहीं आयो ने, क्यों नहीं आयो रे। थारी रोवे जामण जाई, थारी रोवे जामण जाई, मैरो लाजे रे। बेगो यहां बहुत ज्यादा लोग रोने लगे हैं, और क्योंकि ये परिवार की बात आती है साथ। पांचवो मिनट प्रभु माने देवो, मुकरू करवाड़ा से। नौकरी मां ने भगवान से कहा, प्रभु पांचवा मिनट मेरे पति से बात करनी है। उस मां ने, उस लुगई ने, उस औरत ने अपने पति को बुलाया और रोते हुए कहा कि हे पतिदेव, जिंदगी भर आपने जो जो मांगा ला कर दिया, मरने से पहले एक इच्छा पूरी कर दो साहब। एक औरत का मन क्या होता है सुनेगा, उसने मरने से पहले भी अपने पति से क्या मांग लिया। कंकु मेहंदी थोड़ो चावल लेने, थोड़ो सो सिंदूर लेने, मोतिया सुभर दो, जाता जाता भर दो, मारी मांग बुलावो आयो भगवान रो। थोड़ो सो सिंदूर लेने, मोतिया सुभर दो, मारी मांग। ये भजन मैं क्यों गाता हूं, इसका कारण अब सुनना। मैंने कहा चाय भी रोकना, कोई बीच में मत रुकना। इसका कारण क्या था, ये था। अगर किसी आदमी से कहे कि ले भाई ले, एक आदमी से कहे कि ले भाई ले, एक 9 किलो का पत्थर तेरी कमर पर बांध, उसको 9 दिन तक लेकर घूम। एक आदमी की औकात नहीं होती है जो 9 किलो का पत्थर, छोड़ो 2 किलो का पत्थर भी कमर पर बांध के 9 दिन तक नहीं रह सकता। मगर एक माँ होती है जो अपने बच्चे को 9 महीने पेट में संभाल कर रखती है साहब। इस धरती पर माँ की बराबरी कोई नहीं कर सकता। रात को 1 बजे आप उठते हो ना भूख के मारे, रसोई में जाते हो ना, पैरों की आहट सुन के सिर्फ माँ कहती है बेटा भूख लगी। मगर आज के बेटे अपनी बीवियों के चक्कर में माँ बाप को छोड़ के अलग हो रहे हैं। समझो साहब, 2016 में जब नोटों ने रंग बदला, अच्छे अच्छों के पसीने छूट गए। अरे बुढ़ापे में जब औलाद रंग बदलती है तो बूढ़े माँ बाप पर क्या गुजरती होगी, सोचना, एक बार सोच कर देखना। और आज आप अपने माँ बाप की सेवा नहीं कर रहे हो, कल आपके बच्चे भी आपकी सेवा नहीं करेंगे। ये फैक्ट बात है।